हेलो गाइस, वेलकम टू दी सेकंड हैंड गैरेज। तो आज हम टेस्ट करेंगे ज़ाइम प्रो। इट्स अ रियल टाइम ट्रैकिंग डिवाइस फॉर योर कार, जो कि आपकी कार की लोकेशन को आपके मोबाइल पर बताएगा, आपने सिंगल ट्रिप में कितना डिस्टेंस की है वो बताएगा, और प्लस जो इसका मेन पॉइंट है थेफ्ट एंड टोइंग अलर्ट्स, अगर आपकी कार के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा, और आपकी कार में चेक इंजन की लाइट किस वजह से शो हो रही है वो आपकी कार को स्कैन भी करेगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक जियो फेंसिंग इसमें फीचर दिया गया है, तो इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। सो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। सो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे आपको फर्स्ट मैनुअल दिखेगा जिसमें बताया गया है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है बट इसके फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड मस्ट लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, हेयर इज द डिवाइस, ये आपकी कार की ओबीडी पोर्ट में लगेगा जहाँ पर आपकी कार में स्कैनर फिट होता है। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करके ज़ाइम प्रो टाइप करना है और ज़ाइम प्रो की ऐप को इंस्टॉल करना है। गाइस, अब ऐप ओपन करने के बाद आपको साइन अप करना होगा, तो ये थोड़ी सी डिटेल्स मांगेगा लाइक आपका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। सो मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब साइन अप करने के बाद ये आपकी लोकेशन एक्सेस मांगेगा, तो इसको आपको अलाउ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अलाउ नहीं करेंगे तो डिवाइस वर्क नहीं कर पाएगा। सो जैसे आप देख सकते हैं ऐप पर आ रहे क्लिक टू एक्टिवेट डिवाइस, सो डिवाइस को एक्टिवेट करना है। आपके डिवाइस पर एक बारकोड स्कैनर दिया होगा कुछ इस तरह से, जिसको मैं शो नहीं कर सकता, तो ये बारकोड आपको स्कैन करना है जिसकी वजह से ये डिवाइस एक्टिवेट होगा। सो जैसे ही आप डिवाइस को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आएगा कि आप अपने डिवाइस को अपने कार के ओबीडी पोर्ट में इंसर्ट करें। सो गाइस, राइट नाउ आई हैव स्विफ्ट डिज़ायर जिसका ओबीडी पोर्ट क्लच पेडल के एकदम फ्रंट में है। बाकी आप अपनी कार्स का फाइंड कर सकते हैं, ओबीडी कनेक्टर ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। सो डिवाइस को ओबीडी पोर्ट में एकदम जेंटली आपने फिक्स कर देना है। सो नाउ डिवाइस लगाने के बाद आपको कार का इग्निशन ऑन करना है, और इग्निशन ऑन करने के बाद कंटिन्यू करना है, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कार का मॉडल, नेम, कार कौन सी स्टेट की है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डीजल, पेट्रोल, तो वो सब आपको मेंशन कर देना है। सो गाइस, कार की सब डिटेल्स डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है जिसमें ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोन की लोकेशन ऑन हो और कार का इग्निशन ऑन हो। सो अप टू 5 मिनट्स लगते हैं डिवाइस को एक्टिवेट होने में। सो जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा आपकी कार की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी कि आप इस वक्त किस जगह पर हैं।
सो गाइस सेटिंग्स में जाकर आप अलर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे अलर्ट्स मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और स्पीडिंग सेट कर सकते हैं जिसमें आपको सब अलर्ट्स मिल जाएंगे लाइक रैश ड्राइविंग, टोइंग अलर्ट, टेफ्ट अलर्ट, और अगर आपका डिवाइस कोई अनप्लग्ड भी कर देता है कार से तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर आ जाएगा। गाइज जैसे मैंने जियो फेंसिंग की बात की थी तो जियो फेंसिंग का ये मतलब है कि एक आप पर्टिकुलर एरिया को लॉक कर सकते हैं, एक जाल बिछा सकते हैं। सपोज जैसे कि आपका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो जनकपुरी और तिलक नगर के एरिया के बीच में ही रहे तो आप इस ऐप के थ्रू ही फेंसिंग बना सकते हैं। अगर वो जनकपुरी से एरिया के बाहर कार ड्राइव करेगा तो आपको पूरी लोकेशन आ जाएगी प्लस आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो टेफ्ट अलर्ट को सेट करने के लिए बेसिकली आपको एक टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। सपोज़ आप रात के 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कार को नहीं ड्राइव करते हो तो आपको एक टाइमिंग सेट कर देनी है 12 to 7 AM। अगर इसके बीच में आपकी कार के साथ कुछ मिसहैप होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस मैंने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको अलग से वीडियो शो कर दिया है। सो जैसे ही आप कार को मूव करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है इन 3 to 4 seconds में ट्रिप स्टार्टेड एज यू कैन सी दैट। और जैसे कि मैंने ओवर स्पीडिंग सेट की थी 40 km/h पर तो अब जैसे ही मैं 60 km/h पर लेकर गया हूँ तो मुझे इसका भी नोटिफिकेशन 4 to 5 seconds में मिल गया जैसे आप देख सकते हैं। गाइस ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल आपका कार में ही होना चाहिए, आप इंडिया में कहीं भी हो तो आप अपनी कार को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। बस आपका जो Zime Pro डिवाइस है वो कार से कनेक्ट होना चाहिए। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस डिवाइस के थ्रू अपनी कार को स्कैन भी कर सकते हैं तो मैंने जब स्कैन किया तो मुझे 0 errors मिले और मेरी कार में कोई चेक इंजन लाइट भी शो नहीं हो रही थी। बट स्टिल मैं एक बार इसको फॉल्टी कार में चेक करूंगा जिसमें चेक इंजन की लाइट शो हो रही हो, उसमें स्कैन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट ज़रूर दूँगा। सो गाइस एट द एंड आई नो वीडियो लॉन्ग हो गई है बिकॉज इस डिवाइस में बताने के लायक बहुत फीचर्स थे और अगर आप इस डिवाइस को लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी 6,000 rupees है जो कि फ्री 1 year सब्सक्रिप्शन के साथ आएगा और आफ्टर 1 year आप इसे रिचार्ज करा सकते हैं 1,062 rupees में इंक्लूडेड GST जो कि अगले फिर 1 साल के लिए वैलिड होगा। सो आई डोंट थिंक इट्स अ ओवर प्राइस बिकॉज आपकी कार वर्थ है, ऑब्वियसली वो लाखों में है तो कार की सेफ्टी के लिए प्लस आप ड्राइवर को ट्रैक कर सकते हैं कि और प्लस आप अपने किड्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो ज़्यादा रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे, सो उनकी सेफ्टी के लिए भी। सो इट्स अ गुड डिवाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक इट, मस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।